अच्छा रहा, बट किस से आपका मेडल मिस हुआ है उसके बारे में एक्चुअली काफ़ी फील तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और इंडिया ने एक ब्रॉन्ज ही नहीं है, गोल्ड मेडल खोया है। मैं तो और मैं अपने आप को एक ऐसा गोल्ड मेडल देख रहा था, क्योंकि जिसके साथ मेरी फाइट थी मैंने उसको पहले भी हराया है और मैंने इस फाइट में भी उसको हरा रखा था। बट पॉइंट ऑफ व्यू जजिस का देखना अलग था और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था उनके डिसीजन से। और मैं बस मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि जो इतना इतने साल की मेहनत थी, सुबह शाम दिन रात एक करके मैंने इस ओलंपिक के लिए लगाया था। पिछले 15 वर्ष की जो मेरी ट्रेनिंग थी बॉक्सिंग की, वो आज यहाँ पे मैंने निराश होके देखी है। बट कोई बात नहीं, उसमें इतना ही जो अंदर का दुख है वो यही कहता है कि भाई आने वाले ओलंपिक्स में किसी भी एथलीट के साथ ऐसा ना हो कि उसको वो चीज़ उसके ऊपर बीते। अंटी नलनेस, आप एक एथलीट नहीं हो, कोई नहीं समझ सकता कि आपके अंदर कितना दुख और दर्द है वो। बट यही चाहूँगा कि मैं ओलंपिक को भी, IOC को भी आगे ये जो पुअर जजिंग डिसीजंस हैं इनको देखें और इनके ऊपर कुछ एक्शंस लिया जाए। आपको परेशानी से पॉइंट सिस्टम से या क्या जो आपने किया? जो पहला मेरे को ये समझ में नहीं आता, अगर 5 जज डिसीजन दे रहे हैं, और पहली बात तो बॉक्सर चाहे कुछ मर्जी करे डिसीजन रेफरीज के हाथ में है, और पहले स्कोरिंग अच्छा था, आपकी बारी स्कोरिंग काफ़ी ज़्यादा निराश वाली है कि पता नहीं चलता है कौन एथलीट जीत रहा है, फिर भी ये लोग दूसरे ओपोनेंट के फेवर में कर देते हैं। और जैसे अगर 5-0 का जजिंग स्कोरिंग सिस्टम है और एक ब्लू कॉर्नर वन साइडेड फाइट जीत रहा है और फिर भी उसके फेवर में 1,000 है और 4 वो है जो रेड कॉर्नर के फेवर में जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये कहाँ किस में कमी है, उस जज में कमी है कि उसको दिख नहीं रहा है कि भाई वो एक जो एक स्कोरिंग दिया है वो उसको क्यों दिया है, बल्कि वो पूरा राउंड डोमिनेट कर रहा था। तो मैं यही चाहूँगा कि इन पे थोड़ा देखें और इन पे थोड़ा एक्शन लिया जाए।